दोस्तों आज हम एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को बिना किसी पेन पेपर के सॉल्व करना सिखाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग ऐसे प्रश्नों का सेकेंडों में आंसर निकालेंगे आइए स्टार्ट करते हैं जैसे ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एक बटे एक इंटू दो प्लस वन अपान टू इंटू थ्री प्लस वन अपान थ्री इंटू फोर प्लस डैश डैश प्लस वन अपान नाइन्टी नाइन इंटू हंड्रेड इसका मान होगा इसका मान निकालने के लिए आपको एक साल ट्रिक बताते हैं इसमें ऊपर जितने वन होते हैं सबको ऐड करके नीचे सबसे छोटे संख्या को सबसे बड़े संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये है हमारी शॉक ट्रिक जैसे इस क्वेश्चन में कितने वन होंगे यहाँ वन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ नाइन्टी नाइन तक जा रहा है तो हमारा हो जाएगा वन की संख्या एक दो तीन ऐसे काउंट करेंगे तो नाइन्टी नाइन तक होगी तो ये हो जाएगा नाइन्टी नाइन अपान सबसे छोटे जो गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या होगी और जो गुणनखंड की सबसे बड़ी संख्या होगी इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा वन इंटू हंड्रेड तो हमारा आंसर आ जाएगा 99 नाइन अपॉन हंड्रेड बस इतना थ, करना था वो भी आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है ये तो आप देख के ही बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जितने ऊपर वन है उसको काउंट करके ऊपर लिखते हैं और नीचे जो होता है जो गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या होती है उसमें गुणनखंड की सबसे बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं जैसे इसमें वन कितना होगा वन टू थ्री इस तरीके से यहाँ वन स्टार्ट है नाइन्टी नाइन तक गया है तो कितने वन हो जाएंगे नाइन्टी नाइन तो नाइन्टी नाइन को हमने यहाँ लिख दिया सबसे छोटा गुणनखंड का सबसे छोटी संख्या वन है तो इसको हम यहाँ वन लिख दिया इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे बड़ी संख्या के तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है हंड्रेड तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया आंसर नाइन्टी नाइन अपॉन हंड्रेड नाइन्टी नाइन अपॉन हंड्रेड ये वाला हमारा आंसर हो गया बस इतना टाइम लगना था अब इसकी यंग ट्रिक भी आप प्रोसेस भी आपको जान लें यंग प्रोसेस क्या है इसका कि सबसे छोटी संख्या जो गुणनखंड की होगी उसमें सबसे बड़ी संख्या को घटाते हैं और जो दोनों का डिफरेंस होता है उससे भाग दे देते हैं जैसे इसमें सबसे छोटी संख्या है वन तो इसमें वन माइनस सबसे बड़ी संख्या हंड्रेड है तो वन अपॉन हंड्रेड इसको यहां पे हम लोग माइनस करेंगे और जो दोनों के संख्याओं के बीच का डिफरेंस होता है यहां पे डिफरेंस कितना है वन इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वन इन दोनों का वन तो यहाँ पे डिफरेंस है वन ये वन लिखे या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आगे चल के जब डिफरेंस वन से बड़ा होगा तो वहाँ पे वो होगा अब इसको जब करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं तो 100 माइनस वन अपॉन हंड्रेड तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 99 नाइन अपॉन हंड्रेड ये हमारा हो जाएगा आंसर ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस शॉर्ट प्रोसेस क्या होता है ऊपर जितने भी वन होते हैं उसको सबको काउंट करके सम करके यहाँ ऊपर लिख देते हैं और नीचे सबसे छोटी संख्या जो होगी गुणनखंड की और सबसे बड़ी संख्या से उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं बस इतना सा हमें करना होता है आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है वन अपान थ्री प्लस वन अपान फिफ्टीन प्लस वन अपान थर्टी फाइव प्लस वन अपान सिक्सटी थ्री प्लस वन अपान नाइन्टी नाइन का मान क्या होगा यहाँ पे हमें ज्ञात करना है इसमें तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं अब जैसे थ्री को हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं वन इंटू थ्री इसी तरीके फिफ्टीन का कर सकते हैं थ्री इंटू फाइव इसी तरीके से थर्टी फाइव का कर सकते हैं हम लोग फाइव इंटू सेवन सिक्सटी थ्री का कर सकते हैं सेवन इंटू नाइन इसी तरीके से नाइन्टी नाइन का कर सकते हैं हम लोग नाइन्टी नाइन का कितना हो जाएगा नाइन इंटू एलेवन पूरा करने की जरूरत नहीं है ये आप देख के ही कर सकते हैं लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हमने यहाँ पर कर दिया इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है टू इन सारे बीच के डिफरेंस टू है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले सॉट्रिक के क्या अपनाते हैं सॉल्ट ट्रिक सॉल्ट ट्रिक ये कहती है कि सबसे ऊपर वन काउंट करके जितने हैं यहाँ पे वन कितना है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव वन है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फाइव और नीचे क्या बताए थे अभी आपको हम सबसे छोटा गुणनखंड की जो सबसे छोटी संख्या होगी ये है वन तो यहाँ पे वन लिख देंगे और सबसे बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे बड़ी संख्या कितनी है एलेवन तो यहाँ पे ये यह चीज़ हो जाएगी एलेवन तो ये आ जाएगा हमारा फाइव बाई एलेवन ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे एक आंसर और था फाइव बाई एलेवन तो ये हमारा हो जाएगा आंसर अब इसी क्वेश्चन को आइए लॉन्ग प्रोसेस भी जान लेते हैं जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो लॉन्ग प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस क्या कहता है कि आप सबसे जो छोटी संख्या है गुणनखंड की उसमें जैसे यहाँ पे वन है सबसे बड़ी संख्या को घटा दें वन अपॉन एलेवन और जो इसका डिफरेंस है उससे हम लोग भाग कर दें जब इसको भाग करेंगे यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है टू का तो यहाँ पर लिख देंगे टू जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एलेवन माइनस वन अपान टू इंटू ये टू ऊपर चला जाएगा टू इंटू एलेवन तो ये हो जाएगा आपका एलेवन में वन गए टेन अपान टू इंटू अलेवन टू से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव बाई एलेवन ये हमारा हो गया लॉन्ग मेथड यही हमारा हो जाएगा आंसर आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है वन अपान फिफ्टीन प्लस वन अपान थर्टी फाइव प्लस वन अपान सिक्सटी थ्री प्लस वन अपान नाइन्टी नाइन प्लस वन अपॉन वन फोर्टी थ्री इसका मान याद करना है कि इसका मान क्या होगा तो इसमें क्या करते हैं हम लोग वन अपान फिफ्टीन इसको जो फाइव फिफ्टीन है इसका भी दो गोनखंड करते हैं तो दो गोनखंडों में तोड़ेंगे तो इसका गोनखंड हो जाएगा आपका थ्री इंटू फाइव इसी तरीके से थर्टी फाइव थर्टी फाइव का करते हैं तो ये हो जाएगा फाइव इंटू सेवन सिक्सटी थ्री का जब करेंगे तो ये हो जाएगा सेवन इंटू नाइन इसका जब करेंगे हम लोग नाइन्टी नाइन का तो ये हो जाएगा नाइन इंटू अलेवन इसी तरीके से जब वन फोर्टी थ्री का करेंगे तो वन फोर्टी थ्री का हमारा वो कितना हो जाएगा एलेवन इंटू थर्टीन अब इसका मान ज्ञात करने के लिए सार्क क्या बताए थे सार्क क्या करते हैं सबसे पहले जो ऊपर का वन है इसको काउंट कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ऊपर है इस फाइव तो यहाँ पे देंगे फाइव और उसके बाद नीचे सबसे छोटा गोनखंड का जो सबसे छोटा नंबर होगा यहाँ पे है थ्री यहाँ थ्री इंटू फाइव फाइव पे ख़त्म हुआ यहाँ फाइव से स्टार्ट हुआ दूसरे में सेवन पे ख़त्म हुआ तीसरा सेवन से स्टार्ट हुआ इन दोनों का डिफरेंस कितना है दो. दोनों का डिफरेंस है दो तो इसमें क्या करते हैं सॉ ट्रिक क्या बताए थे आपको सबसे पहले सारे वन को काउंट करते हैं ऊपर और ऊपर लिख देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ फाइव लिख दिया सबसे छोटा नंबर जो गुणनखंड का होगा उसमें सबसे बड़े नंबर का जो गुणनखंड का होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं यही हमारा आंसर होता है तो ये हो जाएगा थ्री इन थर्टीन तो ये हमारा हो गया आंसर तो ये आ जाएगा फाइफ अपान तेरह उनतालीस थर्टी नाइन यही हमारा हो गया आंसर इसमें फाइव अपॉन थर्टी नाइन ये सी हमारा आंसर हो जाएगा ये तो हो गया हमारी शॉर्ट ट्रिक अगर इसी को हम लॉन्ग ट्रिक में लॉन्ग मेथड में देखेंगे तो आपको क्या बताए थे सबसे छोटे नंबर में वन अपॉन थ्री माइनस सबसे बड़ा नंबर वन अपॉन थर्टीन वन अपॉन थर्टीन माइनस करेंगे और जो इसका डिफरेंस होगा उससे डिवाइड कर देंगे दोनों का डिफरेंस कितना है टू इससे डिवाइड करेंगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम तो ये हो जाएगा थर्टी नाइन और ये हो जाएगा आपका थर्टीन माइनस थ्री थर्टीन माइनस थ्री तो ये डिवाइडेड बाई डिफरेंस जो है इसका टू तो ये जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका थर्टीन में थ्री माइनस करेंगे टेन टेन अपान ये टू ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा टू इन टू थर्टी नाइन तो टू तो से इसको टेन में भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका फाइव अपॉन थर्टी नाइन ये हो गया हमारा लॉन्ग मेथड और ये हो गया शॉर्ट मेथड शॉर्ट क्या कहती है वेरी सिंपल आप लोग को पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सीधे क्वेश्चन देखो और आंसर करो जैसे ये है तो इसमें क्या किया वन टू थ्री फोर फाइव जो ऊपर है फाइव तो ये लिख दिया हमने फाइव सबसे छोटा नंबर वन खंड का है थ्री सबसे बड़ा नंबर है थर्टीन तो ये थ्री को थर्टीन में मल्टीप्लाई कर दिया वो आंसर वेरी सिंपल फाइव अपॉन्ट थर्टी नाइन और ये आपको यंग मेथड बता दिया और कभी कभी आप लोग ट्रिक भूल जाए हो तो ये यांग मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इसका वो आप देखते ही आंसर निकाल देंगे जैसे ये क्वेश्चन है वन अपॉइन टू प्लस वन 1.2 सिक्स प्लस वन पॉइंट ट्वेल्व प्लस वन अपॉइन्ट ट्वेंटी डैश डैश वन अपन सेवेंटी टू प्लस वन अपान नाइन्टी प्लस वन अपॉन वन हंड्रेड टेन प्लस वन अपॉन वन हंड्रेड थर्टी टू का मान निकालना है इसमें क्या करना है वेरी सिंपल इसका भी वही गोलखंड करते हैं दो उसमें तो इसका हम लिख सकते हैं वन इंटू टू इसको लिख सकते हैं टू इंटू थ्री इसको लिख सकते हैं थ्री इंटू फोर डैश 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 ऐसे करते करते जब आप इस इसमें लिख सकते हैं हम लोग इसका टेन इंटू एलेवन इसका लिख सकते हैं एलेवन इंटू थर्टीन एलेवन इंटू थर्टीन लिख सकते हैं अब सॉ ट्रिक क्या बताए थे आपको हम लोग कि सबसे पहले इसमें हम लोग वन काउंट करते हैं इसमें वन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एलेवन है तो हम लोग सबसे ऊपर लिख देंगे एलेवन फिर सबसे छोटी संख्या जो ग्रोनखंड की होगी वो है वन उसमें सबसे बड़ी संख्या ग्राम खंड की जो होगी उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं सर ये एलेवन इंटू ट्वेल्व होगा एलेवन इंटू ट्वेल्व तो यहाँ पर ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर एलेवन अपॉन ट्वेल्व ये हमारा हो जाएगा आंसर एलेवन अपॉन ट्वेल्व आंसर ए इसी को हम लोग लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं उसमें लॉन्ग मेथड में आपको बताए थे कि जो सबसे छोटा हो नंबर होता है उसमें सबसे बड़ा नंबर घटा के डिफरेंस से भाग दे देते हैं जैसे यहाँ पे वन है तो वन अपन माइनस यहाँ पर ट्वेल्व है वन बाई ट्वेल्व डिवाइडेड बाई डिफरेंस इसका कितना है एक है तो एक से भाग दे दिए एक कोई मैटर नहीं करता सीधे आंसर आ जाएगा आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एस एस सी में पूछा गया क्वेश्चन है और जबकि है इतना आसान कि इसको आप देख के ही आंसर बता सकते हैं जैसे ये क्वेश्चन है वन अपान फाइव इंटू सिक्स प्लस वन अपान सिक्स इंटू सेवन प्लस वन अपान सेवन इंटू एट प्लस वन अपान एट इंटू नाइन प्लस डैश 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 के पहले बीस पदों का योग क्या होगा पहले बीस पदों का योग कह रहा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे ये है वन अपान फाइव इंटू सिक्स प्लस 1 वन अपान सिक्स इंटू सेवन वन अपान सेवन इंटू एट वन अपान एट इंटू नाइन प्लस डैश डैश ये जो बीसवां पद होगा हमारा वो होगा यहाँ फाइव से स्टार्ट है तो बीसवां पद हो जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू फाइव अब वही सेम आप ट्रिक अपना दीजिए जो पहले कर, करते आए हैं बस इसमें फ़र्क ये है कि ये फ़ाइव से स्टार्ट होगा लेकिन इसमें दे रहा है कि पहले बीस पदों का योग बीस पद कह रहा है तो ये टोटल वन कितना होगा बीस हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ट्वेंटी अब क्या बताए थे आप लोगों को सबसे गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या में गुणनखंड के सबसे बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका फाइव सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या है ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा फाइव से डिवाइड करेंगे पाँच बीस तो ये आपका आ जाएगा फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स जब फोर में ट्वेंटी फाइव का भाग देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स ये आंसर ए इसको आपको इतना करने की जरूरत नहीं है ये आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं अदरवाइज सीधा सिंपल सा बीस पहले बीस पदों का योग कह रहा है, 20 20 का कह है तो नंबर ऑफ वन कितने हो जाएंगे बीस हो जाएंगे तो यहाँ बीस लिख देंगे सबसे छोटी संख्या पाँच है पाँच लिख दिया मल्टीप्लाई कर दिया ट्वेंटी फाइव से सीधे सीधे पाँच बीस कट गया चार बड़े पच्चीस जब डिवाइड करेंगे जीरो पॉइंट वन सिक्स हो जाएगा ये यह हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन एस एस सी सी एच एस दो हजार उन्नीस में पूछा गया क्वेश्चन है ये कह रहा है कि वन अपॉइन्ट टू प्लस वन अपॉइन सिक्स प्लस वन अपॉइन्ट ट्वेल्व प्लस वन ट्वेंटी डैश डैश प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन का मान क्या होगा ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है कि इसको आप देख के ही आंसर निकाल देंगे मुझे निकालना होता है तो यहाँ देख के ही लग रहा है एन अपान एन प्लस वन हमारा आंसर होगा बी कैसे हुआ आइए इसको देखते हैं अब ये वन अपान वन वन अपन टू है तो इसको जब हम गुणनखंड करेंगे दो पार्ट में तो इसको लिख सकते हैं वन इंटू टू ये सिक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू थ्री यहाँ टू पर इंड होगा यहाँ टू से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे थ्री से इंड होगा तो यहाँ थ्री से स्टार्ट होगा थ्री इंटू फोर इसी तरीके से ये इसको क्या है फोर इंटू फाइफ इसको जब डैश डैश करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन ये हो जाएगा हमारा एन इंटू एन प्लस वन अब देखिए हम का आपको क्या बताए थे सबसे पहले हम लोग ऊपर के वन को काउंट करते हैं और ऊपर देते हैं यहाँ पे एक से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है तो नंबर ऑफ वन्स का जो होगा वो कितना होगा एन होगा अरे भाई जब यहाँ वन से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है तो वन कितना होगा एक दो तीन चार ऐसे आप काउंट करते जाओगे एन तक होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन अब सबसे छोटी संख्या जो गुणनखंड का होगा उसमें सबसे बड़ी संख्या जो गुणनखंड की होगी उसमें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो यहाँ है वन तो वन इन टू सबसे बड़ी संख्या कितना n एन प्लस वन एन प्लस वन तो इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा एन अपान एन प्लस वन यही हमारा आंसर हो जाएगा है ना देखते ही क्वेश्चन है कि यहाँ सीधे अगर आपको डायरेक्ट निकालना होता है तो यहाँ पे आप सीधे देखते कि ये वन जो है एन तक होगा इसलिए कि वन से स्टार्ट हुआ है एन तक जाएगा है तो एन अपान सबसे बड़ी संख्या एन प्लस वन है वन से मल्टीप्लाई किया एन अपन एन प्लस वन यही हमारा आंसर हो जाएगा आंसर भी हमारा आंसर हो जाएगा इसी को अगर आप साल टिक नहीं ट्रिक से करना चाहते हैं तो उससे कैसे निकालेंगे आइए ये भी देख लेते हैं उससे निकालने के लिए हमने आपको बताया था सबसे छोटी संख्या जो गुणनखंड की होगी ये है उसमें सबसे बड़ी संख्या को माइनस करके जो डिफरेंस होता है उससे भाग दे देते हैं गुणनखंड का डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस जैसे वन है यहाँ पे डिफरेंस वन है जितने गुणनखंड हैं सभी का डिफरेंस वन है तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या वन अपान वन माइनस सबसे बड़ी संख्या वन अपान एन प्लस वन एन प्लस वन अपान डिफरेंस आप गुणनखंड यहाँ पे आ जाएगा वन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एन प्लस वन माइनस वन अपान एन प्लस वन ये वन ये वन कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका एन अपॉन एन प्लस वन ये हो गया हमारा यंग मेथड और ये जो बताए थे आपको एकदम सिंपल तो सॉल्ट ट्रिक है तो ये हमारा आंसर इससे भी हमारा आंसर होगा बी आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अब देखते हैं ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन एस एस में पूछा गया क्वेश्चन है इसका भी आंसर आप देखते ही निकाल सकते हैं इसमें कह रहा है वन अपान वन इंटू टू प्लस वन अपन टू इंटू थ्री प्लस वन अपान थ्री इंटू फोर प्लस वन अपान फोर इंटू फाइव प्लस डैश डैश वन अपान एन इंटू एन प्लस वन का मान होगा अब इसमें जानते हैं एक्यूरेट मान ना दे के इसलिए कि यहाँ वैल्यू एन की दी है तो कह रहा है कि वन से छोटा होगा वन से बड़ा होगा दो से बड़ा होगा न इसमें हम लोग क्या करेंगे वही सेम कंसेप्ट अपनाएंगे इसमें नंबर ऑफ वन काउंट कर देंगे यहाँ देखिए वन से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है तो नंबर ऑफ वन कितना हो जाएगा एन वन टू थ्री ऐसे काउंट करेंगे तो ये एन तक हो जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे एन अपान फिर आपको बताए थे जब सब गोरनखंड की जो सबसे छोटी संख्या होगी यहाँ पे वन है उसमें सबसे बड़ी संख्या एन प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन इन टू एन प्लस वन ये आ गया एन अपान एन प्लस वन ये तो आ गया अब ये कह रहा है कि वन से छोटा होगा अब जैसे यहाँ एन की वैल्यू हम लिखते हैं सपोज एन इज़ इक्वल टू वन रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वन अपान वन प्लस वन वन बाई टू तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव एन की वैल्यू हम लोग टू पुट करते हैं तो ये हो जाएगी टू अपान टू प्लस वन थ्री टू अपन टू प्लस वन टू बाई थ्री हो जाएगी इसी तरीके से ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स सिक्स एन की वैल्यू जब यहाँ पे हम लोग थ्री रखते हैं तो ये हो जाएगा थ्री अपान थ्री प्लस वन फोर थ्री बाई फोर हो जाएगा तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव इसीलिए फोर रखेंगे तो फोर अपन फोर प्लस वन फाइव तो हमेशा वैल्यू एक से कम होगी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक से कम होगी तो हमारा आंसर होगा ए दोस्तों ये रहा आज का वीडियो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग